क्लास टेंथ के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंग्लिश का एक बेहतरीन सा पेपर बताने वाला हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और मैंने मैथ्स में बताया जो पूरा आया था, इसी तरह आपको इंग्लिश में भी जो बता रहा हूं वो फंसेगा पूरा ही, ठीक है। यहां से अपन देखते हैं तो पहला जो पैसेज है इसको ध्यान से देखो आप, ठीक है भैया। इसको आप जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले पैसेज को हल करते समय इस बात का ध्यान रखें, पहले आप इनको पढ़ने की बजाय एक बार आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चनों को पढ़ना है, ठीक है भैया। ये है ना, हैज वेराइटी ऑफ मीनिंग्स, तो यहाँ पर वेराइटी ऑफ मीनिंग्स दिया है ना। तो आप जैसे पढ़ोगे ना पहली लाइन को ही, और इसमें लिखा हो गया है रीडिंग हैज ए वेराइटी ऑफ मीनिंग्स, ये आपका पहला यहाँ पर ए मिल गया है रीडिंग, ठीक है भैया। तो ये अपन भर देंगे यहाँ से, पहले का क्या आंसर आ गया है, रीडिंग आ गया है। व्हाट डज इट मीन्स टू अनदर पीपल, टू अदर पीपल है, सॉरी अदर पीपल, तो यहाँ पर देखो अदर पीपल के नाम से आपकी लाइन कहीं ना कहीं मिलेगी। ये यहाँ से ढूंढते ढूंढते जैसे जाओगे तो यहाँ से मिलेगा, देखो ये टू अदर पीपल, तो यहाँ तक दे रीड तक आ जाएगा, ठीक है भैया। ये अपना क्या हो गया, बी वाला हो गया, दूसरा वाला मतलब, ठीक है भैया। तीसरे की बात करेंगे अपन, तो यहाँ से देखोगे हाउ डू स्टूडेंट डेवलप, ठीक है, तो सी वाले को अपन आंसर देखिए, तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे ढूंढ ले सकते हैं आराम से ना। तो ये आपका जो तीसरा है ये आपका यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, ठीक है, तो ये यहाँ तक, ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा सी वाला आंसर रहेगा, हो गया। चौथा जो है डी वाला, इसका भी मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ से ये टू से शुरू होगी इसकी फिल्म, ये टू से, तो यहाँ तक ये पूरा जाएगा, है ना। तो ये कर सकते हैं अपन कंप्लीट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों को करने में। पांचवा जो है उसका आपका जाएगा शॉर्ट, ये आप ढूंढ सकते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि मेरा मतलब ये है कि आपका समय बर्बाद होगा इन चीज़ों में जानना पछेंगे तो, ठीक है। ये आपको स्कूल में सिखाया भी गया है सभी को, है ना, अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दो है, ये यहाँ तक हो गया, इतना स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना, पहले का आपका ये देख लीजिएगा, ये ए रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दूसरे का आपका ए रहेगा, तीसरे में 80 आ जाएगा, चौथे का जो आ जाएगा प्राइमेड, और यहाँ से पांचवे का आपका देख लीजिएगा ए आ जाएगा, यहाँ से बढ़िया से आप कंप्लीट कर सकते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपका नोट्स रहेगा तीसरे क्वेश्चन में, तो ये तो आपको बनाना याद होगा, नहीं है तो सीख लीजिएगा ना, ये पैसेज बता दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपकी एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाली है ना, ये देखिएगा। यहाँ से देखेंगे टू द प्रिंसिपल एप्लीकेशन हो गया, आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ यूअर स्कूल, आई हैव पास्ड, मैंने परीक्षा पास कर ली है, माय क्लास नाइन्थ एग्जामिनेशन दिस ईयर, नाइन्थ की पास कर ली थी मैंने, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, दिल्ली टू भोपाल हो गया, कहीं भी लिख देना यहाँ पर अगले आगे, सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माय स्टडीज ईयर मैं इसलिए। ये तो बच्चे हर बच्चे को आती है, और नहीं आता तो याद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक समस्या भी नहीं इसमें है। ब्रिलियंट सक्सेस वाला आपका लेटर है ये, तो आपके दोस्त को एग्जामिनेशन की यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे यही है आपकी एप्लीकेशन, ध्यान से देखो आप तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको ध्यान से देखना है ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पर फोकस करते हैं अपन। वी नो द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, है ना, ही नोज द बॉय, वहां जानता है विच की हु, तो हु जो जो ब्लू शर्ट पहने हुआ है। वेन आई यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब ट्री, मैं पेड़ों पर चढ़ जाता था, अब मैं छोटा बच्चा हूँ, हर बात के पैसा लेता हूँ, ठीक है, यानी बुढ़ा हो गया भाई क्या, अब तू अभी भी जवान है ऐसा थोड़ी है यार। वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब ट्रीज, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, जवान था, यंग जवान हूँ तो चढ़ सकता हूँ, ठीक है। यहां से शुरुआत से समझो इसको, हाउ मैनी शुगर, किमच शुगर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जिसको अपन गणना नहीं कर सकते ना उसके लिए मच का यूज किया जाता है, जिसको किलो विलो में तोलते बस, तो हाउ मच शुगर डू यू टेक
इन टी। गंगा 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 का आ जाएगा आपका, और ए की दा, तो दा आ जाएगा ऑप्शन एकदम राइट, है ना। हिज अंकल डेड, हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑफ कैंसर। ही वांटेड टू बिकम अन इंजीनियर, वहां एक इंजीनियर बनना चाहता है। डू एस डायरेक्ट, डू एस डायरेक्टर देखते हैं, पहला पढ़ते ही डिड हिज वर्क वेल, ही डिड हिज वर्क वेल, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है बाबू। अनलेस इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप परिश्रम करोगे, यदि नहीं करते हो तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अब यहां पर अनलेस को हटाना है और इसकी जगह पर इफ लगाना है, तो इफले इफ इफ डोंट वर्क हार्ड, इफ डोंट वर्क हार्ड, इफ यू आ जाएगा, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। इज ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ही इज टू, पहले टू के साथ आपका जाएगा ये, तो यहां पर लिख दूं क्या पूरा, यहां से लिखने का प्रयास करता हूं। ही इज इज सो इल इल डेट ही कैन नॉट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ठीक है भैया। चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयस, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयस, टॉयस आर यहां पर देखते हैं, टॉयस आर बींग, क्योंकि बी का बींग आ जाएगा ये आईएनजी फॉर्म में, तो बींग मेड बाय चिल्ड्रेन, सी एच आई एल डी आर ई एन, हो गया इतना। यहाँ से देखो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से देखिए, बहुत ही बेहतरीन से आपको पेपर बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी में तो फंसने के चांस रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो देखिए द ओल्ड, द ओल्ड ये हो जाएगा पहला, मैन द ओल्ड मैन, ठीक है, वाज होनेस्ट पर्सन, ठीक है। ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू नेगेटिव ए इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में जाएगा हैज, सॉरी हैज ही हैज ही टेकन टी, नाग महाराज, नाग महाराज ना क्वेश्चन मार्ग है। यहां से अपना देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके देख लीजिए, भर देते हैं। तो देखिए यहां पर जो पहला है ना उसका आपका यहां पर हर टीचर आएगा, दूसरे की यदि अपन बात करें बेटा तो दूसरे का आपका पहले वाला आ जाएगा, तीसरा जो रहेगा वो आ जाएगा ब्रेक ब्रेक्स ड्रेस आ जाएगा, चौथा जो है उसका आपका ये बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। यहां से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, ये देखो ध्यान से आप, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको देखना है, तो पहला जो इसमें है, ठीक है, यहाँ पर पहले में आपका कितना ले लिया स्क्रीनशॉट क्या, ये आपका क्लियर आ जाएगा, है ना, ठीक है। दूसरे में आपका जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट रहेगा, और तीसरे में जाएगा ब्लैक वाला आ जाएगा, है ना। चलिए हो गया इतनी चीज़ें, बढ़िया से कंप्लीट करो, 100% आने के चांस रहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि यही रियल है, मैंने ये कहा है कि ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चार पेपर अपन बता रहे हैं जिसमें ये सेट सी चल रहा है, आप तो ध्यान से कंप्लीट करो, बिल्कुल मेहनत में कोई कमी मत रखो आप, तो सीधी सी बात ये है ना। चलिए अपन बात करें आगे की, तो यहाँ से पहला जो है इसका सी, दूसरे का जो रहेगा वो आपका जाएगा
सी वाला। तीसरा जो रहेगा ना उसका आपका रह जाएगा यहाँ पर, तीसरे का आपका जाएगा, तीसरे का आपका ये बी ऑप्शन राइट रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है इससे आपके क्या है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से, क्योंकि मैं अब आपको है ना इसका बढ़िया से सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है भैया, ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो और कोई भी समस्या हो तो बेधड़क कमेंट करो, है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 से रहेगा, हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहां पर देख सकते हैं ये 3 वाला है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर 4 है, देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहां से आप देख सकते हैं, ये पहला आ जाएगा, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा रहने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, ठीक है, पहला हो गया, इसके बाद में ये दूसरा, ये आपका तीसरा रहेगा, ये यहां से आपका क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी हाँ ये 13 का तीसरा हो गया, ये 14 क्वेश्चन है आपका, 14वां क्वेश्चन अपन कहेंगे इसे, ये इसी का थोड़ा वाला है। मेहनत करो यार, है ना, बस मेहनत करने वाले बच्चों की सफलता निश्चित है। जो बच्चे रियल पेपर ढूंढने में रह जाएंगे ना बिल्कुल पछताते रहेंगे, आप तो मेहनत करो, है ना। ये देख सकते हैं यहां से हो गया इतना, इसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ये हो आ गया, हो गया, इसके बाद में यहां से, ठीक है, बस ये आपको मैंने पूरा